असलकम स्टूडेंट्स पिछले मॉड्यूल में हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन की नॉन प्रॉफिट सब्सिडरीज के बारे में बात की इस मॉड्यूल में हम नॉन प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट पार्टनरशिप्स की बात करेंगे दोनों में फ़र्क है वो एक ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अपनी सब्सिडरी है जो उसने किसी और ऑपरपज़ के लिए मसलन फ़ंडिंग के लिए या मिशन के सपोर्ट करने के लिए कायम की है यहाँ पर हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मुख्तलिफ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी आपस में पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं इसको आम जबान में कंसोशियम या कंसोशिया कहा जाता है ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मुख्तलिफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन समझती हैं कि अगर वो आपस में इकट्ठे हो जाएं, एक कंसोशिया बना लें तो वो एक दूसरे के मिशन को अपनी एक्सपर्टीज़ को पूल करके अपने रिसोर्स को पूल करके सपोर्ट कर सकती हैं मतलब वो तमाम जो कंसोसिया के मेंबर्स हैं सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो दो चार बस सूरतों में साठ सौ इससे भी ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं किसी कंसोसिया के वो सब के सब जो हैं उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये है कि उनका आपस में इकट्ठा होना जो है वो म्यूचुअली बेनिफिशियल है सबको फ़ायदा है लेकिन कंसोशिया में ख़ास तौर पर जो छोटी नॉन प्रॉफिट्स होती हैं उनके लिए एट्रैक्शन ज़्यादा होती है क्योंकि कंसोशिया की नेचर जो है उसके मुताबिक सबके खा ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी हो उसका साइज़ इन टर्म्स ऑफ मेंबर्स, इन टर्म्स ऑफ मिशन इन टर्म्स ऑफ ग्रांट्स अवेलेबल फंडिंग अवेलेबल साइज कोई भी हो लेकिन कंसोशियम के सभी मेंबर्स को इक्वल से होती है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मिलकर जब फैसले करते हैं तो साइज के हिसाब से वोट नहीं होता बल्कि हर मेंबर का वोट होता है जो इक्वली वेट रखता है इसी तरह अगर कंसोशियम को कोई फंडिंग मिलती है तो वो सारी मेंबर जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको इक्वली तकसीम होता है या सबको इक्वल शेयर मिलता है तो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके लिए नए जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए उसमें बहुत अट्रैक्शन है कि वो किसी बड़े कंसोसिया का मेंबर बन जाएं जिसमें बड़ी बड़ी ऑर्गनाइजेशन हैं जिनका बहुत एक्सपीरियंस है उस फील्ड में काम करने का नई छोटी जो वेंचर्स हैं वो एक तो सीखते हैं दूसरे उनको अपनी बात करने का मौका मिलता है और तीसरे जो कंसोसियम को फंडिंग होती है उसमें वो इक्वल शेयर होल्डर होते हैं <ँँँँग> कन्सोशियम्स जो हैं वो अमूमन दो शक्लें अख्तियार कर सकते हैं एक कोऑपरेटिव्स और दूसरे मर्जर्स जो कोऑपरेटिव है वो तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग आपस में कोऑपरेट करते हैं एन जी ओज इकट्ठी होती हैं आपस में कोऑपरेट करती हैं उसमें जोग्राफिकल कोऑपरेशन हो सकती है कि एक इलाके में जो एन जी ओज काम कर रही हैं वो मिलके एक कोऑपरेटिव बना लें या एक कंसोशिया बना लें उसमें मिशन के हवाले से एक कोऑपरेशन हो सकती है कि जो एक जैसे मिशन को ऑर्गेनाइजेशन पर कर रही हैं वो आपस में इकट्ठी हो जाए दोनों तरह की एग्जाम्पल्स पाकिस्तान में मौजूद है। हैं जो एक्स ट्राइबल एरियाज हैं जिन्हें हम फाटा कहते थे वहाँ पर पीस एंड डेवलपमेंट का काम करने के लिए जितनी एन हैं उनका एक कन्सोशियम है सारी क्योंकि उनका मिशन एक है उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन एक है तो वो मिलकर काम करती हैं उन्होंने कन्सोशियम बनाया हुआ है वो इकट्ठे उनको फंडिंग मिलती है और वो उसको इकट्ठे एक जैसे मिशन के लिए इस्तेमाल करती हैं इसी तरह पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नॉट फॉर प्रॉफिट का कन्सोशियम है जिसके कोई तकरीबन साठ मेंबर हैं ये पाकिस्तान के मुख्त हिस्सों में मौजूद हैं लेकिन यह सब के सब ह्यूमेनिटेरियन रिलीफ और एमरजेंसीज डिज़ास्टर्स रिस्पॉन्स इस कस्म के काम जो एन जी ओज़ करती हैं जो नाट फॉर प्रॉफिट्स करती हैं ये उनका कन्सोशियम है जोग्राफिकली ये अलग अलग हैं मुख्तलिफ़ हिस्सों में लेकिन चूंकि सबका मिशन एक है ह्यूमनिटेरियन रिलीफ और डिजास्टर रिस्पॉन्स तो उन्होंने आपस में एक इकट्ठे हो गई हैं कोऑपरेट करती हैं आपस में एक कोऑपरेटिव के तौर पे फंडिंग लेती और उसको इस्तेमाल करती हैं दूसरी फॉर्म जो है वो मर्जर है पाकिस्तान में मर्जरस ख़ासतौर पर नॉट फॉर प्रॉफिट के इतने आम नहीं हैं लेकिन इंटरनेशनली ये इनक्रीजिंगली एक पॉपुलर फॉर्म बनती जा रही है एक बड़ी सारी जो नॉट फॉर प्रॉफिट सोशल वेंचर है उसके अंदर एक छोटा नॉट फॉर प्रॉफिट सोशल वेंचर जो है वो मर्ज हो जाए उसकी वजह ये हो सकती है कि दोनों एंटरप्रेन्योर्स की लाइक like माइंडेडनेस दोनों का मिशन एक है दोनों समझते हैं कि वो मिल जो है उसको बेहतर तौर पर अचीव कर सकते हैं लेकिन उसमें ज़्यादातर वजह जो होती है वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो नया या स्मॉलर सोशल वेंचर है उसके पास रिसोर्स खास तौर पर फाइनेंशियल रिसोर्स की कमी होना जो है वो एक वजह हो सकती है किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्जर की वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हो होके जो ये स्मॉलर न्यूअर एंटरप्रेन्योर है उसको लगता है कि वो अपना मिशन जारी रख सकते हैं लेकिन उसमें फिर उनकी कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं रहती अगरचे इसकी मुखालफत भी मौजूद है दुनिया भर में रेजिस्टेंस है इस तरह से आप एक टर्म यूज़ होती है मिशन क्रीप के आपका जो मिशन है छोटी ऑर्गेनाइजेशन का नए सोशल एंटरप्रेन्योर का जो मिशन है वो एज अ क्रीप उसको ज़ाया हो जाता है वो कहीं लॉस्ट हो जाता है बड़ी नॉट फॉर प्रॉफिट के मिशन के अंदर इसी तरह ले ऑफ्स हैं कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉज होते हैं जाहिर है उनका लिमिटेड एक्सपीरियंस है लिमिटेड क्वालिफिकेशंस हैं तो अमूमन वो लेफ़ होते हैं बड़ी एन जो है बड़ी नॉट फॉर प्रॉफिट जो है उसके लोगों का ज़्यादा एक्सपीरियंस है वहाँ ज़्यादा क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी में इन लोगों की ज़रूरत नहीं है इसलिए ये वाले जो इश्यूज़ हैं इनकी वजह से रेजिस्टेंस मौजूद है लेकिन चूंकि फंडिंग कम होती जा रही है कंपटीशन बढ़ता जा रहा है इसलिए ऑफकोर्स मर्जर्स जो हैं वो हम एक्सपेक्ट करते हैं और डेली दुनिया के किसी ना किसी हिस्से में कोई नया या छोटा सोशल एंडपेन्योर वेंचर जो है वो किसी बड़े सोशल एंडपेन्योर नॉट फॉर प्रॉफिट वेंचर में मर्ज होता है थैंक यू